हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप क्लास टेंथ के 2024 का यूपी बोर्ड का रिजल्ट अगर आप चेक करना चाहो तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हो और कौन सी वेबसाइट से आप चेक करोगे तो जिससे सर्वर डाउन नहीं रहेगा और आप इजीली वे में आप अपने यूपी बोर्ड क्लास टेंथ का रिजल्ट चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला है वो किस डेट को आएगा और कितने बजे आएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको सर्च कर लेना है यूपी बोर्ड रिजल्ट। इस तरीके से पहला वेबसाइट है, यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट यूपीएमएसपी का रिजल्ट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से फेस देखने को मिल जाएगा, आप में हो सकता है इंग्लिश में यहां पर देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास टेंथ के यूपी बोर्ड के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो यहां पर हाई स्कूल कक्षा 10 इस तरीके से लिखा होगा या तो आप में इंग्लिश में लिखा होगा, तो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट पर आप क्लिक कर लीजिएगा अगर क्लास टेंथ का आपको चेक करना है। अगर आप चाहते हो कि इंटर का चेक करना है तो इसी के जस्ट नीचे इंटरमीडिएट एक लिखा होगा, इसी पर आप क्लिक करके इंटर के अपने बोर्ड रिजल्ट का चेक कर सकते हैं। तो मुझे क्लास टेंथ के रिजल्ट का चेक करना है तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट मिल जाती है हाई स्कूल क्लास टेंथ वाली, इसी पर वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखने को मिल जाता है जनपद परीक्षा। तो फ्रेंड्स, यहां पर जनपद परीक्षा मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसे आपको यहां पर डाल देना है। जैसा कि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं गोरखपुर इस तरीके से लिख देता हूं, तो आप भी इस तरीके से गोरखपुर लिख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रोल नंबर, यहाँ पर आपको इंटर रोल नंबर वाले ऑप्शन में डाल देना है। जो भी आपके प्रवेश पत्र में रोल नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रहा है सुरक्षा कोड। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया होता है, जैसे मेरे में DFC753 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप भी डाल देना है। जैसे कि कैपिटल लेटर में दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि डी, उसके बाद एफ है, उसके बाद सी है, उसके बाद यहाँ पर 753 है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड का क्लास टेंथ का रिजल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड का क्लास टेंथ का रिजल्ट जो है 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आ सकता है, यही इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अभी जो 15 तारीख को आने वाला था वो नहीं आया, तो अभी नेक्स्ट टाइम दिया है कि 20 तारीख से लगाकर 25 तारीख के बीच में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।